10 क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पुनः मेरे ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में एक बार वेलकम है। आज हम लोग अगले क्लास में यानी अगले सीरीज के माध्यम से देखेंगे कि जो राजनीति शास्त्र का सीरीज है या आपका आज पांचवा सीरीज है यानी कि इसको हम सीरीज 5 में रखते हुए हैं। तो सीरीज 5 में आप देखेंगे कि अध्याय 3 है और इस अध्याय 3 में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की बातें हम करेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा क्यों होता है, लोकतंत्र में संघर्ष की क्या स्थिति होती है, इसके संदर्भ में और भी बातों को हम देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष की क्या स्थिति होता है और हम देखेंगे उसके बाद कि जनसंघर्ष की किस तरह की भूमिका यहाँ पे निर्वहन होता है, कैसे भूमिका का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि बिहार का जैसे छात्र आंदोलन हुआ था तो बिहार का छात्र आंदोलन आज के राजनीतिक परिवेश के लिए कितना जरूरी था और क्या उस समय यह आंदोलन होना अनिवार्य था और यह आंदोलन हुआ तो किन उद्देश्यों के लिए हुआ, क्या उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, ऐसे ऐसे बातों पे हम यहाँ जिक्र करेंगे जो आपके परीक्षा से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए और आपके और भी जानकारियां जैसे आप प्रतियोगिता कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे जानकारियों के लिए भी बातें सब महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे थोड़ा कंसिस्टेंट होके इसे समझते रहे कि जो भी मेरे पॉलिटिकल साइंस का सीरीज आ रहा है इस सारे सीरीज को आप अपने प्रतियोगी रूपी माइंड को डेवलप करना चाहते हैं तो इस बातों को समझते चले, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप निश्चित कर लें ताकि प्रत्येक दिन का जो मेरा सीरीज है अपलोड होता रहे और आपके अलग अलग विषयों के माध्यम से आपको हर तरह की जानकारियां नोटिफिकेशन का माध्यम से मिलता रहे, मुझे बिना बताए हुए आप आसानी से मेरे YouTube चैनल तक इंटर कर सके। तो आज हम देखेंगे इसमें कि लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा की बात है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बातें करते हैं तो इसमें हम सत्ता की बात करेंगे कि सत्ता के विभाजन की आवश्यकता है और सत्ता के विभाजन में सत्ता में जनता की सहभागिता एवं जनता की जो इसके औचित्य होते हैं जनता के औचित्य, तो ये जनता के औचित्य पर हमने द्वितीय जो अध्याय है उस द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने इसमें वर्णन किया हुआ था कि इस अध्याय में हम जैसे प्रमुख बातों पर ध्यान देंगे कि जहां यहां जनसंघर्ष प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष की जो बातें हैं कि इस विश्व में लोकतंत्र की आधुनिक काल से हम देखते हैं कि आधुनिक काल में इतिहास एवं उसके क्रम से विकास प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का ही एक परिणाम देखने के लिए मिला है, क्योंकि इस संघर्ष का या इस प्रकार का जो संघर्ष हुआ है ऐसा संघर्ष जो है सत्ताधारियों एवं सत्ता में सत्ता जो होता है कि सत्ता में सहभागिता चाहने वालों के बीच में ही होता है, जो भी सत्ता में संघर्ष चाहने वाले होते हैं उन्हीं के बीच में यह देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार की घड़ी लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी कही जा सकती है क्योंकि इस प्रकार की जो घड़ी या समय होता है अथवा स्थिति तब उत्पन्न होती है कि जब लोकतांत्रिक विकास जो भी लोकतांत्रिक विकास होता है तो लोकतांत्रिक विकास की ओर उन्मुख होता है और उसका क्रम से विस्तार देखने के लिए मिलेगा। इस क्रम में यह उल्लेखनीय भी हो जाता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन संघर्ष के समाधान जनता की जो जनता होते हैं तो जनता की व्यापक लामबंदी के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस प्रकार के जनसंघर्ष का समाधान प्राय लोकतांत्रिक जैसे हम संसद या न्यायपालिका की बात करते हैं कि संसद हो या न्यायपालिका हो न्यायपालिका के माध्यम से ही हो पाता है, लेकिन सदा के लिए इस प्रकार की स्थिति तभी बनी होती है कि जब हम यह देखेंगे कि जनसंघर्ष का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, इस क्रम में दूसरे सार्वजनिक भागीदारी संगठित जो संगठित रूप होते हैं उसके राजनीतिक संगठन या दबाव समूह जो होते हैं आंदोलनकारी द्वारा संगठित होता है वे संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम भी होते हैं। और भी हम देख सकते हैं इसमें कि इस तरह के यह भी एक उल्लेखनीय हो जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संघर्ष के पीछे अनेक संगठन कार्यरत होते हैं, जो भी संघर्ष आप देखेंगे हर संघर्षों में अलग अलग तरह के संगठन उसमें कार्य अपना करते हुए नजर आते हैं, जो दो प्रकार से हम इसमें सहभागिता का निर्वहन कर सकते हैं यानी इसकी जो सहभागिता है इस सहभागिता में हम दो तरह के निर्वहन की बातें देख सकते हैं या दो तरह के निर्वहन कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें हम विचार करेंगे कि जैसे कि आप इस निर्वहन के माध्यम से आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने की जो नीति होता है या नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों का गठन करते हैं और ऐसे राजनीतिक दलों के गठन में चुनाव में भाग लेते हैं और निर्वाचन में सफलतापूर्वक
वे अपना बहुमत भी प्राप्त करते हैं और बहुमत प्राप्त करके, लेकिन यहाँ फिर एक बात यह भी आ जाता है कि दूसरी तरफ हम अधिकांश नागरिक प्रत्यक्ष ढंग से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं लेते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, और जब भागीदारी नहीं लेना चाहते हैं इसके कई कारण भी बन जाते हैं, जैसे आप देखते हैं इच्छा शक्ति का अभाव होना, जिसके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव होता है वे इसके प्रत्यक्ष रूप नहीं आ पाते हैं, और कौशल अभाव होना, संसाधन का अभाव इत्यादि इत्यादि और भी कई बातें आता है इसमें, इसमें हम ये भी देखेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष ढंग से सरकार के समक्ष अगर हम बातें देखेंगे तो उनका अपनी मांग जो होता है सरकार के समक्ष जो मांग रखते हैं अपनी मांग उपस्थित कर सकते हैं, इसके लिए वे संघ या संगठन बनाकर भी किसी तरह का वो संघ बनाए या कोई संगठन बनाए, संगठन बनाकर अपनी मांग सरकार के सामने उपस्थित करने का प्रावधान करते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी सुनने के लिए मिलता है कि लोग बिना संगठन बनाए ही एकजुट होकर मांग सरकार के सम्मुख करना शुरू कर देते हैं। अब देखेंगे इस तरह की बातें, क्योंकि ऐसे समूह द्वारा जो संचालित संघर्ष है, जो संचालित जो जनसंघर्ष होता है, ऐसे संघर्ष जनसंघर्ष का आंदोलन हम कह सकते हैं। मान लीजिए बिना संगठन का कोई अगर सरकार से मांग करने की बात, सरकार गलत काम कर रही हो तो बिना संगठन बनाए हुए मांग करना शुरू कर दिया जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे, जनसंघर्ष, जनता जो है सरकार से संघर्षरत हो गई है, तो इसे हम जनसंघर्ष के श्रेणी में रखेंगे। क्योंकि दूसरे शब्दों में हम ऐसे बातों को कहेंगे कि जब आम जनता किसी औपचारिक संघ या संगठन के का निर्माण किए बिना ही अपनी मांग के समर्थन में एकजुट हो जाती है तो वैसे संघर्ष को, वैसे जनसंघर्ष को एक आंदोलन का रूप भी दिया जाता है, यानी वैसे जनसंघर्ष आंदोलन के नाम से हम कह सकते हैं। इस दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र में जो भारतीय लोकतंत्र का इतिहास है, इस इतिहास में 1970 का दशक विशेष महत्वपूर्ण आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यह माना भी जाता है कि 1971 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार यानी कांग्रेस की सरकार अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और 1975 ईस्वी में जब आप देखेंगे कि जून में उन्होंने देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा भी कर दी थी, और देश में जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गया, इस उद्घोषणा का प्रभाव यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी बहुत ही खास रूप से पड़ा, और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जब इसका प्रभाव पड़ा तो आप देखेंगे कि सरकार जो थी इस निर्णय के विरोध जनसंघर्ष तेज हो गया, सरकार का जो निर्णय था जनता का संघर्ष काफी तीव्र वहां देखने के लिए मिला। आम जनता, आम धारणा बन गई थी कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र के विरोध में काम कर रही है, और जब लोकतंत्र के विरोध में काम कर रही है इसलिए 1977 के निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी यानी पराजित भी हो गई थी, यानी कांग्रेस पार्टी को वहां हार का सामना भी करना पड़ा, और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गठित हुई, और जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में गठित हुई, इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जैसे जनसंघर्ष होता है इसका एक बहुत ही अहम रोल होता है, एक बहुत ही कारगर रोल होता है। जनसंघर्ष सरकार को मनमाना निर्णय लेने से रोकने का काम भी करती है, और सरकार तमाशा न बन जाए इस पर भी अंकुश रखने का वो भरपूर प्रयास करती है, क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष एक तरह का आम घटना माना जाता है। और इस प्रकार का अगर इस तरह से हम देखेंगे कि इस संघर्षों का समाधान जनता के व्यापक लामबंदी के माध्यम से ही होता है, तो जनता का जो व्यापक लामबंदी होता है, जैसे कभी कभार यह भी देखने के लिए मिलता है कि ऐसे संघर्षों का समाधान संसद अथवा न्यायाधीश जैसी संस्थाओं के माध्यम से संभव हो पाता है, लेकिन कई बार सरकार को सत्ता से बाहर होना भी संभव हो जाता है, बाहर होना भी पड़ता है, अतः सरकार तानाशाह बनने और मनमाना करने से हमेशा के लिए बच भी जाती है। तो इस तरह आप देखेंगे और भी बातें कि जनसंघर्ष राजनीतिक संगठनों के विकास के लिए सहायक होते हैं, और ऐसे राजनीतिक संगठनों में राजनीतिक दलों, हित समूहों, आंदोलनकारी समूहों इत्यादि को रखा जा सकता है। राजनीतिक संगठन सहभागिता के लिए आम जनता की समस्या, जो भी आम जनता की समस्या होता है वैसे समस्याओं के समाधान के लिए, यानी ये हमेशा एक तरह का रास्ता खोजने का काम करता है। भारत में हम ये भी देखेंगे कि भारत में एवं भारत के अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं, ऐसे अनेक संघर्ष हुए हैं जिनका लोकतंत्र एवं इसके विकास पर व्यापक असर देखने के लिए भी मिला है, और ऐसा व्यापक असर देखने के लिए मिला है कि इनमें से कुछ जनसंघर्ष का यहाँ हम विश्लेषण करेंगे। जैसे बिहार का एक छात्र आंदोलन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि बिहार का जो छात्र आंदोलन है, ये छात्र आंदोलन कितना कारगर साबित हुआ इसके बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे कि
जिसपे हम जिक्र करेंगे कि छात्र आंदोलन कितना कारगर साबित हुआ। जैसे आप 1971 का बात अभी देखे कि 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी से, जैसे यहाँ पे कांग्रेस का एक चुनाव जो था, चुनावी एक नारा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और अपनी स्थिति में सुधार करते हुए फिर से क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी फिर वापस सत्ता में आ गई गरीबी हटाओ के नारे से। और जब गरीबी हटाओ के नारों से 1971 में सत्ता में आई, लेकिन निर्वाचन के बाद देश की जो आर्थिक स्थिति थी वह आर्थिक स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती हुई नजर आई। और ऐसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश से आए हुए लाखों शरणार्थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि देखने के लिए मिला। 1972-73 की बात देखिए कि 1972-73 में मानसून की विफलता के मद्देनजर कृषि जो था, कृषि के उत्पादन में काफी कमी देखने के लिए मिला, और जब कृषि के उत्पादन में कमी हुआ तो आर्थिक स्थिति और भारत की खराब हो गई। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि 1974 में जैसे ही यह समय 1974 का आया, तो 1974 के आने के पहले यानी आते आते छात्रों ने बिहार में एक आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि जिस गरीबी के नारे पे कांग्रेस पार्टी आई थी उससे ज्यादा और गरीबी देखने के लिए मिली, तो छात्रों ने एक तरह का आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में देखेंगे कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण का नाम आप भली भांति समझ रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया, और जयप्रकाश नारायण जब इस आंदोलन में आए तो जयप्रकाश नारायण ने इस शर्त पर इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया कि यदि मान लीजिए कि वे एक ऊंचे कद के व्यक्ति थे, ऊंचे कद के व्यक्ति का मतलब कि राजनीतिक पकड़ उनका था, तो वे नेतृत्व में स्वीकार तब किए कि यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को, यानी इसमें कहीं किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए, ऐसे अगर होगा तो हम आंदोलन में इसका हम नेतृत्व कर सकते हैं, अन्यथा अगर यह हिंसक होगा तो हम इसके नेतृत्व से दूर रहेंगे। तो इस शर्त पे उन्होंने स्वीकार किया। उनके अपील पर समाज के विभिन्न जो तबके के लोग थे, विभिन्न तरह के जो लोग थे, ऐसे लोग इस आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक ईमानदार व्यक्तित्व और ईमानदार छवि वाले व्यक्ति माने जा रहे थे, और जितने छात्र थे इनके नेतृत्व में आगे आए। उन्होंने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की तथा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और इस संपूर्ण क्रांति के नारे में जैसे आपको कंपटीशन में अक्सर आता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। तो इस नारे में, इस क्रांति का लक्ष्य समूचे भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना मात्र था। बिहार सरकार के विरुद्ध हड़ताल होना, घोषणा, घेराव एवं जनसंघर्ष का निरंतर सिलसिला यह जारी रहा, लेकिन सरकार ने त्याग पत्र नहीं दिया। यह मांग होने के बाद भी सरकार ने त्याग पत्र नहीं दिया। अब आगे क्या हुआ कि इसमें उसी समय रेलवे के कर्मचारी ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दिया, और जब राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हुआ जिसका व्यापक प्रभाव समूचे देश पर देखने के लिए इसका असर मिला, और उसी समय मार्च 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो संसद यानी संसद मार्च का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया, उस रामलीला मैदान में या आप देखेंगे या इस माध्यम से बताया जा सकता है कि यह देश में अब तक हुए सबसे बड़ी एक रैली के रूप में माना जाता है कि उस समय तक उतना बड़ा भीड़ किसी भी रैली में नहीं हुआ था जितना भीड़ रामलीला मैदान में उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसमें आगे देखेंगे कि उसी समय गुजरात में भी इसी प्रकार का आंदोलन चल रहा था। इन दिनों राज्यों में इस प्रकार संचालित आंदोलन कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया कि कांग्रेस विरोधी आंदोलन पूरे देश में व्याप्त हो चुका था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध यानी चलाया जाने वाला आंदोलन माना। इंदिरा गांधी ने सोच लिया कि सब मेरे ही विरुद्ध चलाया जा रहा है, तो ऐसे अपने विरुद्ध चलाए जाने वाले एक आंदोलन माना। इसी क्रम में कुछ अन्य घटनाओं का भी उल्लेख आप देखेंगे कि कई तरह के यहाँ उल्लेख मिलेंगे कि ललित नारायण मिश्र जो तत्कालिक उस समय क्या थे कि तत्कालिक रेल मंत्री थे, कि हत्या इनमें से एक ही थी, उनका हत्या भी जो हुआ था, यह भी कुछ शक के दायरे में और भी कई बातें कही जा सकती है और कही भी जाती है। जबकि दूसरी महत्वपूर्ण घटना आप देखेंगे कि 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार वे संसद नहीं रह गई, और लेकिन बिना संसद रहे वह 6 महीने तक सरकार का नेतृत्व कर सकती थी, यह अपने संविधान के प्रावधान में वर्णन है। तो आगे देखिए, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने क्या किया कि जयप्रकाश नारायण जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो आपको यहां वर्णन किया गया,
लेकिन जयप्रकाश नारायण जो थे इनके नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा, जो विपक्षी दल था, विपक्षी दलों द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने त्याग पत्र की मांग करने में दबाव डाला जाने लगा, और जब दबाव डाला जाने लगा इसी समय की मांग की और ऐसा न होने की स्थिति में, ऐसा न होने पर राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आरंभ यहां देखा गया। इन्होंने यानी उन्होंने सरकारी अधिकारी, सैन्य बलों एवं पुलिस को भी सरकार का आदेश नहीं मानने की अपील की। फलस्वरूप यहां प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि 25 जून को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, और 25 जून को जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई, निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत प्रायः समस्त प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। और नजरबंद होने के बाद इस कानून के अंदर ये विपक्षी दल न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपातकाल में सरकार द्वारा अनेक प्रकार की जो जातियां की आरोप लगाया गया था, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र अब रह नहीं गई थी। आपातकाल की समाप्ति के बाद आप देखेंगे कि 1977 में निर्वाचन हुआ, और इस निर्वाचन में विपक्षी दलों का की गठजोड़ ने जनता पार्टी की सरकार को गठित किया, और निर्वाचन में इस पार्टी को लोकसभा में कुल 542 में से 330 सीट प्राप्त हो पाया, और इंदिरा गांधी इस निर्वाचन में बुरी तरह से हार का सामना देखी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसंघर्ष एक आंदोलन का, यानी जो जनसंघर्ष का आंदोलन है, इस आंदोलन का ऐसा स्थान होता है जिसकी उपेक्षा सरकार कभी भी नहीं कर सकती है। अगर जो सरकार करेगी इसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस प्रकार इंदिरा गांधी की सरकार की पराजय और जनता पार्टी के सरकार का गठन जो हुआ में भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया, और ऐसे लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो सुदृढ़ता देखा गया, तो इस सुदृढ़ आधार में यह भी कहा जा सकता है कि यह भी स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि 1980 के आते आते जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी की सरकार आपसी कलह और अंतर विरोध के कारण सत्ता से बाहर हो गई। और जब सत्ता से बाहर हो गई और पुनः सरकार का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चला गया, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों की बात करेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं समूहों द्वारा, जो भी राजनीतिक दल है या जो भी समूह है, इस समूह के द्वारा जो हम बातें समझेंगे कि क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा या विशिष्ट तरह की जो समस्या होता है, ऐसी समस्याओं को उठाकर सरकार पर दमन डाला जाता है, या दमन डालने के बाद भारत स्वयं इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया, और जहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जो अभिव्यक्ति होती है, ऐसी अभिव्यक्ति समय समय पर होती ही रहती है, और ऐसे अभिव्यक्ति होने से, और हम देख रहे हैं कि यहाँ हो भी रही है, हमारे देश में हो भी रही है। उदाहरण के रूप में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर जो आकांक्षाएं हैं, नागालैंड की बात करेंगे और मिजोरम की बात करेंगे, ये सब भारत से पृथक होने का आंदोलन, यानी भाषा के आधार पर इस तरह से कर रहे थे, राज्यों का गठन का आंदोलन और इत्यादि, इन सब बातों को रख सकते हैं। हाल के दिनों में झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात आप देखेंगे कि झारखंड राज्यों का निर्माण जो हुआ क्षेत्रीय मांगों के अनुसार ही किया गया। अब इसी प्रकार की मांगे यानी तेलंगाना और राज्यों के निर्माण में आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो भी बातें स्पष्ट किया गया, यहाँ कुछ ऐसे आंदोलन का संक्षिप्त रूप आप देख सकते हैं जो अलग अलग रूप में यह आंदोलन है, जिसे हम अगले सीरीज में अलग अलग आंदोलन के नाम से हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, ताकि अगले सीरीज के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।